जो हमारा लोकपंग सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो आज हमारे जो पानी के थे वो शुरू होंगे, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे लोकपंग बस्ती जो सियांग डिस्ट्रिक्ट पानी के थी जो किस तरह करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट तक देखना, अगर पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो ये रहा मोकांग, तो यहाँ में सब्ज़ी बनाने के लिए, और हम जो पीछे में भूखा है ये जो लोकल छाता है, पहाड़ एरिया है तरह, ये पहाड़। ये हमारा पहाड़ एरिया है और यहाँ में हैंड ट्रैक्टर चल रहा है। तो वो रहा केती का घर, जो वहाँ में रेस्ट करते हैं, सब्जी वब्जी खाना साना बनाते हैं। हम लोग का लोकल भाषा में इसको हम लोग पोयुप बोलते हैं, पोयुप। तो चलिए चलते हैं। लोकल मछली तो ये रहा हमारा पानी केती, पूरे पहाड़ एरिया है। हम लोग के यहाँ बस्ती में जो काम करने से पूरे मदद करने लोग पूरे बस्ती आ जाते हैं, पूरे बस्ती तो नहीं लेकिन मदद करने के हर कोई आते हैं। और दूसरे की खेती में भी वही होता है जो एक दो दिन में ख़त्म हो जाता है, इसलिए पूरे मदद करने वाला बहुत है, इसलिए एक दो दिन में ख़त्म हो जाता है। पासीघाट एरिया में ऐसा नहीं होता है, पूरे खेती को एक दो महीना तक लगता है, क्योंकि इसमें मदद करने वाला बहुत कम आते हैं। जो हम लोग को खेती को मदद करने आए हुए हैं उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अमीन द कमा गुड अमीन गई दंगा पे आवाज 60 हो कुआ अमीन। अगेरी तो क्या नेम लाया है हुआ एक तो इसी तरह हम लोग इसको सफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे धान लगाएंगे। डाक पीदू पक दू पक दू देल ता हीरो का दांगुन ने यूट्यूबर को नाम नेक्स्ट ईयर लोगे ना लोग बेक गले ये तो कमेंट करके जरूर बताने इसमें कितना आदमी हो सकता है। चलो चलो पतंग पतंग तोगे को। तो यहाँ पे नीचे तक पहुँच गया, सभी काना काने चले गए, तो मैं अभी आपको दिखाएंगे इसको भी। यहाँ पे एक ट्रैक्टर चल रहा है और नीचे में भी एक ट्रैक्टर चल रहा है, तो दो ट्रैक्टर आ चुका है। पहले जो मैंने कहा था दो तीन दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन हम लोग का आदमी जो बहुत है इसलिए आज ही दिन को ख़त्म करेगा सोच के एक और ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो उसको आप देख सकते हैं, ये एक ट्रैक्टर जो, और
ये नीचे पे एक ट्रैक्टर अभी तक काम करने वाला भी है। ज़्यादातर आदमी लोग खाना खाने चले गए, तो बारिश भी आ गया है इसलिए तो हमें रेनकोट पहनना पड़ा। ये देखिए इसका नज़ारा, बादल कितना सुंदर है। तो आपको हम एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो धान लगा चुका है ये पीछे में, मेरे पीछे में, तो ये रहा धान पाई कर चुका है। उसमें हम लोग इसको एक एक करके डालते हैं। इसको कंपेयर करना चाहूँगा कि पासीघाट में पूरा ये एक बंडल को शायद इसको दो नहीं तीन भाग करके शायद डालेंगे, लेकिन हम लोग का बस्ती में इसको एक एक करके डालते हैं, जैसे कि इस तरह। इसको भी हम लोग एक एक करके डालेंगे, लेकिन पासीघाट में ये बंडल को शायद तीन भाग करके डालेंगे शायद। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धान को किस तरह लगाते हैं। तो चलिए, हाँ मदीरा दिल धीमा नमला मैं हाँ जिंगोर हम लोग इस तरह लगाते हैं धान को। धान कोई धान, अरे मुंशी को हम जी दुख दुख दे। जो इस तरह तो ये सब काम करने वाला लोग तो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे धान लगा रहा है और नीचे जो सफाई कर रहा है। तो चलिए बारिश फिर शुरू। तो आप देख सकते हैं ये है पानी का नाला, इसको हम अभी थोड़ा बंद करेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया हमारा खेती पे, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा पानी बंद कर चुका हूँ, तो बंद करके फिर वापस जा रहा है खेती पे। तो पासीघाट एरिया में तो जब तक बारिश नहीं आएगा तब तक खेती शुरू होगा नहीं, क्योंकि वो लोग बारिश का पानी से ही खेती चलाता है, जो हम लोग का यहाँ पे पानी अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग को कोई चिंता नहीं जो खेती करने के लिए। तो आज 90+ आदमी को आपको हम दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। अबे पोई फू आमी दुई नंग किंद पोई फू नामी दुई नंग किंद अबे पोई फू बोर्ती लुन्यिंग कहे ने ने एरे ला आई ला कोला लुन्यिंग कहे ने हया लुन्यिंग ऑपरेशन इन इमम ला डॉक्टर इमम ला लय ओय दुन पार्टी है चना बस को मानी है मैम buat akhir ini nak kedengar. तो अभी तक 5 बज चुका है, ख़त्म हो गया। तो आज के मेरा ब्लॉग यही तक है, जो हमारा लोकपंग सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश जो खेती किस तरह करते हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरा फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए।